क्या आप किसी से प्यार करते हैं, उसको अपने वश में करना चाहते हैं, अपने प्यार में बेचैन करना चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या कोई शादीशुदा महिला हो। यदि आप चाहते हैं कि अपने प्यार को पाले, उससे शादी कर ले, तो आप ये वशीकरण टोटका जरूर कीजिएगा। यह बहुत ही खतरनाक शक्तिशाली वशीकरण टोटका है। जब आप किसी लड़की को अपने वश में करना चाहिएगा ना, तो उसके घर वाले भी आपके वश में हो जाएंगे, जिससे कि आपका प्यार एकदम आसान हो जाएगा, एकदम रास्ता क्लियर रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पल भर में वो स्त्री आपसे मोहब्बत करने लगेगी, पल भर में आपका प्यार आपको मिल जाएगा। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, हर इंसान इसको कर सकता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं, और देखते हुएगा, प्यार में बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। कभी उसके भाई ने डिस्टर्ब कर दिया, उसके घर वालों ने डिस्टर्ब कर दिया कि प्यार मत करो, बात मत करो और शादी भी मत करो, ऐसे ऐसे बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैं जो वशीकरण टोटका आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये वशीकरण टोटका आप जैसे ही कर दीजिएगा, वह लड़की वह स्त्री तो आपसे प्यार करेगी ही करेगी, साथ ही साथ उसके घर वाले के लोग भी आपके तरफ आकर्षित हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे, जिससे कि आपका प्यार और ज्यादा आसान हो जाएगा। लड़की के घर वाले भी आपको मना नहीं करेंगे, बोलेंगे कि ठीक है, मिलिए झुलिए, बात कीजिए, प्यार कीजिए, और साथ में जब शादी करने का समय आएगा, उस समय भी कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, एकदम राजी रहेगा उसके घर वाले। तो जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो पूरी तरह से यह वशीकरण कीजिए, ताकि वह आपसे प्यार करे और साथ साथ उसके घर वाले भी आपके वश में हो जाए और आपके हर बात को माने, और एकदम आपके प्यार का राह एकदम क्लियर हो, रास्ता क्लियर हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आइए बताते हैं कैसे आपको ये पावरफुल वशीकरण टोटका करना है। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो आएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यदि आपका दिल टूट गया है, प्यार में धोखा मिल गया है, या मनचाहे स्त्री को पाना चाहते हैं, मनचाहे स्त्री से शादी करना चाहते हैं, तो आप ये वशीकरण टोटका जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही सबसे हटकर है, बहुत ही जबरदस्त है। बिना सामग्री के, बिना मंत्र के आप घर बैठे कर सकते हैं। कैसे करना आइए बताते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भक्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिएगा, जिस भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं, यानी कि अपने प्यार को पाना चाहते हैं, सबसे पहले आप मान लीजिए आप किसी लड़की को वश में करना चाहते हैं, लड़की को अपने प्यार में पागल दीवानी बनाना चाहते हैं, तो उस लड़की का नाम एक पीपल के पत्ते के ऊपर लिख दीजिएगा। पीपल के पत्ते के ऊपर उस लड़की का नाम लिख दीजिएगा जिसको अपने वश में करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उसके घर वालों को अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, जिससे कि आपका प्यार एकदम आसान हो जाए, आपके प्यार के राह एकदम क्लियर हो जाए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। उस स्त्री का नाम, उस लड़की का नाम पीपल के पत्ते के ऊपर लिख देना है, और यह टोटका आप रविवार के दिन कीजिएगा या मंगलवार के दिन कीजिएगा। पीपल के पत्ते के ऊपर उस लड़की का नाम लिखिएगा जिसको अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, उसके बाद में ऊपर नाम के ऊपर और नीचे स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, लाल चंदन में थोड़ी सी मात्रा में गंगा जल मिला दें, और उसको अनार के लकड़ी से घोल करके उसी लकड़ी से आपको क्या करना, ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, और नीचे में भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, और बीच में आपको उस लड़की का नाम लिखना है जिसको अपने वश में करना चाहते हैं, अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, जिसके दिलो दिमाग में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। उस स्त्री का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद में इस पत्ते को पलट दीजिएगा, पीपल के पत्ते को पलट दीजिएगा। पलटने के बाद में पीछे में आपको उसके घर के मेन मेन सदस्य जो है, उस व्यक्ति का नाम आप नीचे में लिख दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि उस लड़की के साथ साथ उसके घर वाले भी आपके तरफ आकर्षित हो जाए, आपके वश में हो जाए, ताकि आपका प्यार आसान हो जाए, तो उसके घर के मेन मेन जो सदस्य है उसका नाम लिख दीजिएगा, और इस पीपल के पत्ते के ऊपर
आपको एक गोमती चक्र रखना है, दुकान में आसानी से मिल जाएगा गोमती चक्र, जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है, सामग्री मिलता है, वहीं पे आप जाइएगा, बोलिए गोमती चक्र हमको चाहिए। एक गोमती चक्र लेना है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत सस्ता मिलेगा। एक गोमती चक्र ले लीजिएगा, उसको अपने सर से 7 बार घुमाइएगा और उस स्त्री का नाम ले लीजिएगा 7 बार और अपना नाम ले लीजिएगा 7 बार और उस पीपल के पत्ते के ऊपर जिस पे लड़की का नाम लिखे है उस पे बीचों बीच रखना है और पत्ते को मोड़ देना है। मोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अपने घर के बीच आंगन में मिट्टी को कोन दीजिए और उसको दबा देना है। मिट्टी को कोन कर दबाने का सही समय है संध्या के समय या रात के, कभी भी आप कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, और जब ये वशीकरण टोटका आप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि किसी को बताना नहीं है कि हम किसी के लिए वशीकरण कर रहे हैं। जैसे ही मिट्टी को कोन करके दबा दीजिएगा, चमत्कार आप खुद देखिएगा, वह स्त्री आपके वश में तो होगी ही, साथ ही साथ उसके घर वाले भी आपके वश में हो जाएंगे, आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, लोग सब प्यार करने लगेंगे और आपके प्यार का राह एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। शादी करने के लिए भी उसके घर के वाले के लोग रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा।